तमाम किसान भाइयों और दोस्तों को मस्के एमएफटीसी कंपनी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बहुत सारे फार्मर जो हैं वो इस वजह से मुश्किल का सामना कर रहे हैं कि उनका जो पराल पीछे बच जाता है, मतलब पराल का रेजिड्यू होता है जिसको हम पराली बोलते हैं, वो दूसरी मशीनों से कटाई करते हैं और उनका पीछे बच जाता है। ठीक है, तो उनको यानी कि आगे वो चलाने के लिए उनका खुद डाल देंगे, तो वो पराली जो बच जाती है उसको जलाते हैं, जब वो जलाते हैं तो उससे आपकी ज़मीन जो है उसका भी नुकसान क्या है, उसकी जो खेती जो है ज़मीन से वो कम हो जाती है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसी मशीन है कबूता हाफ फीट मशीन लगती है, मेरी कंपनी चला रही है, इससे आपकी पराली देखते हैं, आपकी ये पूरी पराली भी निकालती है, इससे आपके जो दाने हैं बहुत अच्छे निकलते हैं और पराली के साथ कोई भी दाना आप देख रहे हैं, कोई भी दाना आपका जो है वो पराली के साथ नहीं रहता। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक ऐसा फंक्शन है कि आपकी पराली जो है उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती है, दो दो तीन तीन इनके टुकड़े आपके होते हैं उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देती है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करने के बाद इसका हल ये है कि आप डायरेक्ट इसकी आगे जीत के लिए सोई कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जंगल जो है काट कर सकते हैं। यह आपको मैं दिखाता हूँ जो इसके छोटे छोटे टुकड़े, ये देखिए ये पराली के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको आप आसानी से इसमें इसके भी चला सकते हैं, कल्टीवेटर हल जो होता है वो भी चला सकते हैं, ऊँटा वगैरह चला सकते हैं, हैप्पी सीटर चला सकते हैं और डायरेक्ट ड्रिल के जरिए जंगम की जो है वो सोई डाल के जरिए कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसका एक जो मेन फायदा ये है कि जो गवर्नमेंट भी हर फार्मर को उसकी खुशियत करती है कि अपनी जो आपका क्राप का जो बचा हुआ छिड़का उसको खेत में ना जलाएं, उसके जलाने की वजह से स्मोक पैदा होता है और आपकी इधर खेती भी कम होती है।